एकता कपूर का शो क्या हो रहा है हिट? वेल, क्या लॉकअप ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड्स? वेल, आखिरकार लॉकअप को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है और खुद मेकर्स ने क्या कुछ अपडेट दिया है लॉकअप शो को लेकर, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दूँ कि लॉकअप शो में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ की लगातार जहाँ फैंस भी इन शोज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और इस शोज़ में ये सोच रहे हैं कि आखिरकार कंट्रोवर्सीज क्रिएट क्यों नहीं हो रही है। वेल, शायद इसी को मान लें कि अगर कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं हो रही है और कंट्रोवर्सीज के इंतज़ार में ही जो फैंस हैं वो लगातार इस शो को देखे जा रहे हैं। जी हाँ, मेकर्स ने एक बड़ी बात रिवील की है, जहाँ इस हफ्ते बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जहाँ इस हफ्ते 5 कंटेस्टेंट भी हो चुके हैं नॉमिनेट, जिनका नाम है सिद्धार्थ, शिवम, मुनव्वर और साथ ही साथ अगर मैं बता दूँ तो अंजलि है इन पे और स्वामी जी भी हैं। तो ये 5 लोग नॉमिनेटेड हैं। हालांकि इस हफ्ते कोई एक घर से बेघर भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी चीज़ शेयर की है लॉकअप के मेकर्स ने और जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एकता कपूर का शो जो है वो हिट ही होने वाला है। जी हाँ, मेकर्स ने शेयर किया है कि लगभग 48 आवर्स में 15 मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं शो को और ख़ुद मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये चीज़ें शेयर की है। तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि एकता कपूर का नागिन 6 के बाद अब लॉकअप भी हिट होने वाला है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप में से कौन कौन देख रहा है लगातार लॉकअप को, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।